मैं अमर सिंह तनवर टाटा रैली से आज आया हूँ ग्राम उदका शैलेंद्र जी पटेल किसान भाई के वहाँ के। नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। तो सभी किसान भाइयों को थोड़ा सा भाई बताइए अपने बारे में। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। शैलेंद्र वंशी नाम है मेरा। रायसेन जिले में पिपलिया ग्राम मैं निवास करता हूँ और इस खेत को मैंने पिछले साल लेजर से लेवल करवाया था और पिछले साल इसमें खैरा रोप था। पहली साल धान लगाने का इस खेत में तो चार बार जिंक डलवाने की जरूरत पड़ी थी, उसमें खैरा रोप पर काबू नहीं हो पा रहा था। अभी इस टाइम नया जिंक करके टाटा कंपनी का आया है, उसको मैंने लगभग 20 रोज पहले डलवाया। तो जब से नया जिंक डलवाया उसके बाद दोबारा अपने को जिंक डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ग्रीननेस भी बढ़िया है और सही फसल भी सही है। तो पटेल साहब, जैसे कि आपने और भी जो प्लॉट है उसमें भी आपने धान लगाई है जी, उस प्लॉट में आपने अलग जिंक डाली है जी। इसमें टाटा की जो पहली बार आई है नया जिंक के नाम से, वो इस खेत में आपने डाली है, तो उस जिंक की तुलना में इसमें आपको क्या अच्छा फर्क नजर आ रहा है? इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट है। उस खेत में क्या है, वो ये थोड़ा सा लेट लग पाई थी। अगस्त महीने में धान लगी है मेरी, मैं 40 एकड़ में धान लगाता हूँ। वो जो 30 एकड़ का दूसरा प्लॉट है उसमें 3 बार, 1 बार स्प्रे से और 2 बार ग्रेनुअल डाल चुके हैं हम लोग वगैरह की दूसरी कंपनियों की। तो उसमें 3 बार डालना पड़ी जब खैरा रोग को काबू कर पाए, लेकिन इस प्लॉट में 1 ही बार डाला है। और सर ने भी रिकमेंड किया था, हमारे सर ने, कि दोबारा आप डालना नहीं भैया, अगर कोई समस्या अगर आपको जिंक के प्रति दिखती तो आप हमें पहले बताइएगा। तो इसमें कहीं कोई समस्या आई नहीं, ग्रीननेस बढ़िया बराबर बनी बनाई है और फसल सही है। तो जब से आपने इस प्लॉट में जिंक डाली तब से ये जो ग्रीननेस दिख रही है वो बरकरार है ऐसी की ऐसी? जी बिल्कुल, ग्रीननेस खत्म ही नहीं हुई। और पहला जो स्प्रे किया उसमें भी आपने किसी भी प्रकार की कोई जिंक नहीं डाली? नहीं डाली। आपका नया जिंक डालने के बाद टाटा का, उसके बाद फिर कोई चीज डालने की जिंक के लगभग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नया जिंक आया टाटा का उससे संतुष्ट है? फुल संतुष्ट। दूसरे किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि एज ए आप सरपंच साहब हैं जी, और दूसरे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों को मेरा निवेदन है कि नया जिंक का उपयोग करें, क्योंकि नया जिंक से अपना 3-4 बार डालने का वो भी पैसे का भी लॉस नहीं हो रहा, और बाकी इसके साथ साथ इसका एक नंबर का काम करती, मतलब इसमें कहीं कोई कमी नहीं है जिंक में। नमस्कार, धन्यवाद। रैली जाप के लिए लाया है एक क्रांतिकारी उत्पाद नया जिंक, जो जिंक को नष्ट होने से रोकता है और जिंक दीर्घकाल तक आपके पौधों को मिलता रहता है। इससे पौधे मैग्नीशियम के कारण हरे होते हैं और जिंक के कारण अधिक तेजी से बढ़ते हैं और अधिक गुणवत्ता पूर्ण पैदावार मिलती है। नया जिंक का 1.2 किलोग्राम प्रति एकड़ छिड़काव कीजिए। इसे दूसरे उर्वरकों जैसे DAP के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मजदूरी की बचत होती है। नया जिंक लाइए और अपने फसल में नया जोश पाइए।